नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। दोस्तों, लगातार मैं इस चैनल पर आपको वैकेंसीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता रहता हूं, खास करके उत्तर प्रदेश में निकलने वाली वैकेंसीज के लिए। अब हम वेट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में दो चीजों का। एक तो एडेड जूनियर स्कूल्स में जो असिस्टेंट टीचर और प्रधान अध्यापकों की भर्ती हुई थी उसके रिजल्ट का। तो इसके बारे में आपको शुरू में ही बता देता हूं कि ये रिजल्ट बहुत ही जल्दी यानी कि मंडे तक आ सकता है। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक मैंने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप रिजल्ट देख सकते हैं। अब बात कर रहे हैं बहुत बड़ी भर्ती की जो कि आप वेट कर रहे हैं, यूपी में अभी आने वाली है टीजीटी वाली, लेकिन अभी वहां वो भर्ती नहीं आई। यहां इस वीडियो में मैं आपको एक टीजीटी भर्ती के बारे में बता रहा हूं जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। कुल मिलाकर एक न्यू टीजीटी वैकेंसी या न्यू टीजीटी रिक्रूटमेंट 2021 की डिटेल्स आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवा रहा हूं। एक बार यहाँ जो दो तीन चीजें हैं वो अलग है। पहली बात तो ये जो टीजीटी भर्ती है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, इसलिए थोड़ा सा आपको अलग तरीके से यहाँ तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले चलते हैं आज की इंग्लिश क्लास की तरफ, लर्न इंग्लिश में। तो आज की इंग्लिश क्लास में हम बात करेंगे कुछ वोकैबुलरी की। ये डेली मीनिंग्स हैं जो आपके यूज आते रहते हैं, आप इनको बोलचाल में भी यूज करते रहते हैं। तो टूटता तारा को हम कहेंगे शूटिंग स्टार। किसी के गाल पिचके हुए तो हम कहेंगे पिंच चिक्स। पार्लियामेंट यानी उल्लुओं का झुंड, और इसके अलावा एक और है तारों का झुंड। ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे? कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, अब है ना बच्चों का खेल तो आप कहेंगे किड्स स्टफ। अगर कोई मान लीजिए झूठा वादा करता है तो आप कहेंगे जैम टुमारो। अगर कोई मान लीजिए मजाक किया है तो आप कहेंगे टंग इन चिक या टंग इन चेक। अगर मान लीजिए आपको कहना है किसी को कि मैं तुम्हें छलनी कर दूंगा तो आप कहेंगे रिडल दी चेस्ट, यानी कि गोली मारकर छलनी कर देना। पार्लियामेंट यानी उल्लुओं का झुंड। तो ये कुछ मीनिंग्स हैं जो आपको डेली यूज में कर सकते हैं इनको, इससे आपकी वोकैबुलरी भी सुधरेगी। और इस तरह के लगातार मैं वीडियोस में भी बीच बीच में आपको वोकैबुलरी और लर्न इंग्लिश के तहत स्पेशल सेंटेंस बताता रहता हूं जो आपको डेली यूज में आते हैं और स्पोकन इंग्लिश में आपके लिए काफी सुधार यहाँ हो सकता है। तो यहाँ बात कर रहे थे टीजीटी वैकेंसी के बारे में। तो टीजीटी वैकेंसी का नोटिफिकेशन इसका जारी हो गया है। किस स्टेट में वैकेंसी है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, आपको आवेदन कैसे भरना है, आवेदन के लिए मैंने लिंक आपको प्रोवाइड करवाया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप आवेदन भी कर सकते हैं। अब एक बार आपको मेरे साथ स्क्रीन पर चलना पड़ेगा और वहां देख लीजिए कि कितने पद हैं, किस किस सब्जेक्ट के पद हैं, आवेदन का प्रोसेस क्या है और किस तरीके से आप यह फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो चलिए मेरे साथ स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले बात कर रहे थे नोटिफिकेशन की, तो यहाँ देखिए 12 नवंबर 2021 का नोटिफिकेशन है और एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है टीजीटी वैकेंसी के लिए। और अब यहाँ देखिए कहाँ निकली वैकेंसी, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में, और ये राजस्थान में है। और यहाँ जो भर्ती होने वाली है सैनिक स्कूल सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के जो रूल्स है उनके अनुसार। अब यहाँ कुल जो पोस्ट है वो देख लेंगे और सैलरी वगैरह सब यहाँ दिया हुआ है। तो पोस्ट कौन सी है आपकी टीजीटी सोशल साइंस की, एक पोस्ट है फिलहाल यहाँ इसकी। 21 से 35 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। ग्रेजुएट बीएड और आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो फिर आपको और भी फायदा मिलेगा इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ाने का। 44,900 रुपए इसकी सैलरी है पर मंथ की। टीजीटी मैथमेटिक्स का भी एक पद है। 21 से 35 साल एज लिमिट है। ग्रेजुएट बीएड और सीटेट क्लियर होना चाहिए आपका। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का 5 साल एक्सपीरियंस है रेजिडेंशियल स्कूल में, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। 44,900 रुपए सैलरी इसकी भी रखी गई है। अब बात कर लेते हैं जनरल एम्प्लॉय सामान्य कर्मचारियों की। तो रेगुलर जो कर्मचारी है उनकी 3 पोस्ट है। 18 से 50 साल एज लिमिट होनी चाहिए। मैट्रिकुलेशन आपका किया हुआ होना चाहिए और इसके अलावा 5 साल का एक्सपीरियंस आपका किसी सैनिक स्कूल में, किसी पब्लिक स्कूल में, कहीं भी पढ़ाने का, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। 18,000 रुपए आपको सैलरी दी जा रही है। अब यही पोस्ट जो है आपकी वो अस्थायी भी है, संविदा वाली भी, जिसमें 14 पद है आपके सामान्य कर्मचारियों के। एसटी का 1, SC के 2, ओबीसी के 3 और अनरिजर्व के 8 पद है। 18 से 50 साल एज है। 10वीं यानी कि मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और यहाँ वही काम है आपके हाउसकीपिंग, इलेक्ट्रिक, वेल्डिंग, कारपेंट्री, वुडवर्क और मेसनरी, गार्डनिंग एंड प्लम्बिंग, तो यही आपके काम है। यहाँ 12,000 रुपए दिए जाएंगे संविदा वालों को। अब यहाँ एक वैकेंसी और है पीईएम या पीटीआई कम मैटरनिटी, ये फीमेल के लिए है। एक ही पद है। 21 से 35 साल एज लिमिट होनी चाहिए। मैट्रिकुलेशन यहाँ आपका किया हुआ होना चाहिए और यहाँ अगर मान लीजिए आपने बीपीएल किया हुआ तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ जो सैलरी दी जाएगी वो दी जाएगी मंथली, तो ये पद है जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल है तो 15,000 रुपए आपको सैलरी दी जानी है। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ सबसे पहले आपका जो भी फॉर्म भरेगा उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर उनकी लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी और फिर एक आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ बाकी इसमें सारी चीजें सारी डिटेल्स आपको दी हुई है। अब बात करें इसकी लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट इसकी दी हुई है 4 दिसंबर, यानी कि 4 दिसंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप ले लें। इसका डिटेल एक बार आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए, वैसे मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है। ये इसका फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ देखिए 500 रुपए आपकी फीस रखी गई है, नॉन रिफंडेबल, यानी कि आपकी ये फीस रिफंड नहीं होगी, ठीक है। और इसमें आपको ड्राफ्ट लगाना है, डिमांड ड्राफ्ट लगाना है, पेएबल कहाँ होगा वो चित्तौड़गढ़, फेवरिंग दी प्रिंसिपल सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के पक्ष में आपको एक डिमांड ड्राफ्ट यहाँ लगाना होगा। ये उन डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आपको फॉर्म के साथ लगाने होंगे। इसमें आपको सबकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड लगानी पड़ेगी, बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, आपके डिस्चार्ज बुक है, ये सारी चीजें आपको लगानी पड़ेगी, कास्ट सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट है, 10th की मार्कशीट है आपकी, सारे जो डॉक्यूमेंट है आपके एजुकेशन वो लगाने हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपके, ठीक है, एनसी सर्टिफिकेट है, सारी डिटेल्स आपको लगानी है। किसके साथ? ये कॉपी लगानी पड़ेगी आपको फॉर्म के साथ। अब फॉर्म भरेंगे कैसे, हाउ टू अप्लाई इन सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ फॉर टीजीटी पोस्ट, यानी कि सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में टीजीटी पोस्ट के लिए हमें आवेदन कैसे करना है। तो यहाँ नीचे मैं आपको एक आवेदन दिखाऊंगा, उस आवेदन का आपको प्रिंट लेना है, लिंक मैंने दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां से उस आवेदन को आपको भरना है। A4 साइज में आवेदन है आपका, दोनों साइड से है, तो इसको आप भरेंगे किससे, ब्लू पेन से या ब्लैक कैपिटल लेटर्स में आप इसको भरेंगे, ठीक है, ब्लू पेन से भरेंगे और ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में आप इसको भर रहे हैं। तो यहाँ ये डॉक्यूमेंट आना, मैंने आपको बता दिए थे क्या क्या आपको चाहिए अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में। फीस आपकी 500 रुपए, नॉन रिफंडेबल है। तो देखिए ये आपका जो पोस्ट है, यानी कि ये आपका एड्रेस है जो आपको लिफाफे पर चिपकाना है, आपको भर करके भेजना पड़ेगा, यानी कि हार्ड कॉपी आपको भेजनी पड़ेगी। आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करना है, फिर उसको भरना है, उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं, ठीक है, और इसके बाद इसको ये आपको यहाँ इसके ऊपर चिपकाना है एनवेलप पे, और इसके बाद इसको सैनिक स्कूल आपको भेजना है। साफ साफ दे रखा है कि ये आपको स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक से ही भेजना पड़ेगा, साफ साफ लिखा है, एप्लीकेशन मे बी फॉरवर्डेड ओनली बाय स्पीड पोस्ट एंड रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली। तो यहाँ ऑनलाइन का कोई चक्कर इन्होंने रखा हुआ नहीं है, ये बात आप क्लियर रख लेना। फिर भी कोई चीज है तो आप पूछ लीजिए, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ नीचे प्रिंसिपल का यहाँ इन्होंने सील लगाई हुई है। तो टीजीटी की इस वैकेंसी में नया क्या है, पहला कि ये ऑफलाइन फॉर्म है, आपको डाउनलोड करने और उसको भरने के बाद डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आपको स्पीड पोस्ट से या फिर रजिस्टर्ड डाक से ही भिजवाने हैं, ठीक है। लिंक मैंने दिया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, देख जरूर लेना, वहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा, या ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको विजिट करनी पड़ेगी। दूसरी बात, इसमें पहले आपकी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे, यानी कि जो योग्य है उनको छांटा जाएगा, फिर उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा, तब आपको ये जो सैलरी मिलने वाली है ये मिलेगी, या टीजीटी की पोस्ट पे आप पढ़ा सकेंगे।